नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल वीएन कार्स पर। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक यूनिक वीडियो जिसमें जो है मैं आपको तीन चीजें दिखाऊंगा। पहला है इंडिया में एक्सपोर्ट कंटेनर को जो है किस तरीके से हैंडल किया जाता है। दूसरा, लॉकडाउन में जो है किस तरीके से ट्रक ड्राइवर की लाइफ रोड पे चल रही है। और तीसरा है कि लॉकडाउन में इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं अपने घर से बाहर नहीं गया हूँ। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा अमित ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को और दूसरा मिस्टर पवन यादव को जो कि इस ट्रक के ड्राइवर हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से इंडिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेनर को हैंडल किया जाता है। इसी ट्रक से दोस्तों हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे नवा शिवा नवी मुंबई टू झगड़िया गुजरात, झगड़िया गुजरात टू रिटर्न नावा शिवा JNPT पोर्ट। और ये आप देख पा रहे हैं एम्प्टी ट्रक है और यहाँ पे जो है कंटेनर को गाड़ी पे रखा जाएगा और सफर की शुरुआत। ये है ट्रक के ड्राइवर मिस्टर पवन यादव जो कि रिश्ते में मेरे भाई भी हैं और मुझे ये बात बताते हुए आप सबको बहुत खुशी हो रही है। हमारा ट्रक जो है कंटेनर यार्ड में पहुंच चुका है और यहाँ पे हम DO दिखा के डिलीवरी ऑर्डर दिखा के अपने कंटेनर की डिलीवरी लेंगे। डिलीवरी ऑर्डर जो है यार्ड की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है और हमें कंटेनर की डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा पहला ट्रक जो है लोड हो रहा है एम्प्टी कंटेनर से। ये हमारा दूसरा कंटेनर जो है गाड़ी पे लोड किया जा रहा है। इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं तीसरा ट्रक भी हमारा पीछे खड़ा हुआ है। और ये हमारे कंटेनर जो है यहाँ से लोड होने के बाद हमें यहाँ से जो है गेट पास दिया जाएगा और एक सील दी जाएगी, उसके बाद हम अपनी गाड़ियाँ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कंटेनर लोड हो चुका है हमारी गाड़ी पे और अब कंटेनर चेक किया जा रहा है कि जो कंटेनर हमें मिला है यार्ड की तरफ से वो परफेक्ट है कि नहीं। ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में एम्प्टी कंटेनर है ये पूरी तरीके से और कंटेनर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसे चेक कर लिया गया है पवन के द्वारा। ये हाई सिक्योरिटी सील जो है हमें यार्ड की तरफ से मिलती है जब कार्गो लोड कर दिया जाता है, तो उसके बाद इस सील को जो है कंटेनर पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हमारे ट्रक जो है यार्ड से अब निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन झगड़िया गुजरात के लिए। तो चलिए सफ़र का भी मज़ा लेते हैं। नावा शिवा टू झगड़िया की दूरी जो है लगभग 400 किलोमीटर की है और इस सफ़र को तय करने के लिए हमें 8 घंटों का समय लगभग लगेगा दोस्तों। जिन टोल नाकों को कभी क्रॉस करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता था, आज वो टोल नाके भी लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से खाली हैं। बस इक्का दुक्के गाड़ियां ही आपको दिखाई दे रही हैं टोल नाके पे भी। इस सफ़र के दौरान एक खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। ये देखिए बत्तख किस तरीके से सड़क के किनारे घूम रहे हैं। हमारे ट्रक जो है फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और गेट पे एंट्री हो चुके हैं। अब हमारे ट्रक जो है फैक्ट्री में अंदर जाएंगे कार्गो लोडिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं कार्गो हमारा रेडी है और इसे अब कंटेनर में लोड किया जाएगा फोरक्लिप की मदद से। कार्गो लोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और ये कंटेनर के अंदर कार्गो को लोड किया जा रहा है। कार्गो को सेट किया जा रहा है कंटेनर के अंदर। कार्गो पूरी तरीके से हमारे कंटेनर के अंदर लोड हो चुका है और अब उसकी पैकिंग भी हो चुकी है। अब कंटेनर को जो है लॉक किया जा रहा है और इसके बाद इस पर सील लगाई जाएगी और कंपनी द्वारा भी इसके ऊपर जो है एक सील लगाई जाएगी। यहाँ से हमारी गाड़ियाँ फिर से JNPT पोर्ट नवी मुंबई का सफ़र तय करेंगी। 12 से 14 घंटों का ये पूरा सफ़र है। रास्ते में हमारी गाड़ियाँ 2-3 जगह रुकेंगी और जो है खाना भी बनाएंगी, गाड़ियों की भी साफ़ सफाई होगी, आराम भी किया जाएगा और इस तरीके से इस सफ़र को जो है तय किया जाएगा। दोनों सील कंटेनर पे लग चुके हैं और ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी सील होते हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंटेनर का एक यूनिक नंबर होता है जो कि आप सबसे ऊपर लिखा हुआ देख पाएंगे और कंटेनर पे लेबलिंग भी कर दी गई है कि किस तरीके का कार्गो इसमें भरा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे राइट साइड और लेफ्ट साइड में। फैक्ट्री से हमारे ट्रक निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और एक जगह इन्होंने स्टॉप लिया हुआ है जहां ये खाना भी बनाएंगे, गाड़ियों को भी धोएंगे और जो है नहाएंगे और फिर आगे का सफ़र जो है पोर्ट का सफ़र नावा शिवा का ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों। खाना बनाने की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। चावल पकने के लिए रख दिए गए हैं
और उसके बाद सब्जी की तैयारी दूसरी तरफ चल रही है। आज ये जो है रोटी की जगह पूरियां बना रहे हैं और पूरियां बनाने की इनके स्टाइल देखिए दोस्तों, पवन और अनिल हाई करते हुए पूरियां देखिए ये कैसे बना रहे हैं। खाना इनका बन चुका है दोस्तों और गाड़ी की साफ सफाई की शुरुआत इन्होंने कर दी है। उसके बाद ये यहाँ नहाएंगे, खाना खाएंगे और फिर से अपने सफर की शुरुआत ये करेंगे। ये यहाँ पे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहता हुआ पानी है, पूरी तरीके से साफ पानी है। पवन ने हमें यहाँ बताया दोस्तों कि ये जो पानी है ये किसी डैम से जो है आता है और पूरी तरीके से साफ पानी है, किसी भी तरीके की कोई गंदगी या कुछ भी इसमें जो है मिला हुआ नहीं होता है। ये अंदर से आप लुक देख पा रहे हैं गाड़ी का, तीन मोड इसमें दिए हुए हैं, टर्बो, हैवी और लाइट। तो ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लोड में वो कैसे चलाएगा। और ये आप जो है डैशबोर्ड का पैनल देख पा रहे हो, इसमें जो है एसी ऑप्शनल होता है, एसी के सारे फंक्शन दिए हुए हैं पर वो ऑप्शनल है, आपको लेना है या नहीं लेना है ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये डैशबोर्ड आप पूरा डैशबोर्ड गाड़ी का देख पा रहे हो, स्टेयरिंग पूरी तरीके से कार के स्टेयरिंग के जैसा ही है, डिजिटल मीटर है, राइट साइड में बड़ा सा साइड ग्लास लगा होता है जो कि पूरे पोर्शन को कवर करता है बैक के, और आप लेफ्ट में देखेंगे तीन साइड ग्लास दिए हुए हैं जो कि आपको जो है साइड और नीचे का पोर्शन, साइड का पोर्शन और बम्पर के कॉर्नर का पोर्शन भी दिखाते हैं। ये बड़ा स्लीपर है ड्राइवर को आराम करने के लिए, फैन लगा हुआ है। ये हमारी JNPT नावाशिवा पहुंच चुकी है और अब ये पोर्ट में एंट्री करेंगे और एक बड़े से क्रेन द्वारा इनके कंटेनर को जो है गाड़ियों से उतार लिया जाएगा। यहीं से ट्रक अंदर पोर्ट में एंट्री करेंगे, ये मेन गेट है पोर्ट का। इसी क्रेन के द्वारा कंटेनर को अनलोड किया जाता है पोर्ट में, कंटेनर यहीं अनलोड हो जाता है और ट्रिप हमारी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी इस लॉकडाउन में कुछ अलग कुछ नया आप लोगों को दिखाने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।